मित्रता का अंत। एक बार एक गाय अपने झुंड से बिछड़कर तथा मार्ग से भटककर जंगल में खो गई थी। एक शेरनी ने जब उसे देखा तो उसको गाय पर बड़ी दया आई। शेरनी उसको अपने घर ले आई। शीघ्र ही वे दोनों अच्छे मित्र हो गईं। कुछ महीने बाद शेरनी ने अपने एक बच्चे को जन्म दिया। उसी प्रकार गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। समय व्यतीत होने के साथ साथ बछड़ा बड़ा होकर बैल बन गया और छोटा शेर का बच्चा बड़ा होकर शेर बन गया। वे दोनों बड़े होकर भी बहुत अच्छे मित्र बने हुए थे। वे दोनों अधिकतर एक दूसरे से मिलते थे और दोनों खूब दूर तक घूमने जाते थे। प्रत्येक प्राणी जो भी उनको देखता था आश्चर्यचकित हो जाता था कि एक शेर और एक बैल इतने गहरे मित्र कैसे हो सकते हैं? इन देखने वाले प्राणियों में एक सियार भी था जो इन दोनों की मित्रता को देखकर रात दिन ईर्ष्या के कारण कुछ न कुछ सोचता रहता था। उसका विचार केवल उन दोनों के मांस को बारी बारी से खाने का था। इसलिए उसने यह सोचना आरंभ किया कि इन दोनों मित्रों के बीच में किस प्रकार लड़ाई झगड़ा कराया जाए ताकि वे एक दूसरे को मारें और मैं उसका आनंद ले सकूं। शीघ्र ही सियार ने एक योजना तैयार की। सर्वप्रथम उसने दोनों मित्रों शेर और बैल के साथ मित्रता की। फिर उसने एक दूसरे के प्रति कहानियां बनानी और सुनानी आरंभ कर दी। वह शेर से कहता कि बैल उसके लिए लज्जापूर्ण बातें करता है। उसके बाद वह बैल के पास जाता और उससे कहता कि शेर उसके लिए नीच और तुच्छ बातें करता है। सियार की बातें और कहानियां जो वह शेर और बैल को एक दूसरे के लिए बताता था वे सब झूठी थीं। परंतु उनका परिणाम वही हुआ जो सियार चाहता था। दोनों मित्र शेर और बैल अब एक दूसरे के ऊपर संदेह करने लगे। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ घूमने जाना भी बंद कर दिया था और बात भी वे एक दूसरे से कभी कभी बहुत कम करते थे। इधर सियार बराबर एक दूसरे को झूठी झूठी बातें और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहता था। एक दिन क्या हुआ, शेर और बैल झूठी झूठी बातें सुनकर बहुत अधिक क्रोधित होकर बुरी तरह से लड़ने झगड़ने लगे और आपस में एक दूसरे को मारने की सोचने लगे तथा अंत में एक दूसरे को जान से मार ही दिया। प्रत्येक प्राणी जो इन दोनों की मित्रता के विषय में जानता और देखता था उनके लड़ाई झगड़े और मरने मारने की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। वे सब दुखी होकर कहने लगे, अच्छी मित्रता का अंत हो गया। शिक्षा: अच्छा मित्र मिलता है जीवन में बड़ी मुश्किल से, पर मित्रता का अंत होता है तीसरे की सुनने से। दुनिया में बहुत से प्राणी होते हैं ईर्ष्यालु। मित्रों को लड़ता देख वे होते नहीं दयालु। तीसरे का अपना स्वार्थ ही मित्रों को मार देता। अपनी बुरी योजना का आनंद भी वही है लेता।